कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, उठा सकते हो,
दुकान ले जा सकते हो ना उसको रिपेयर कर सकते हो, वो है सॉफ्टवेयर। फिर भी हार्डवेयर चलाने के लिए सॉफ्टवेयर जरूरी है, जैसे कि आजकल शायद आपने यूज़ किया हो शायद कि आपका जो भी मोबाइल है या पेन ड्राइव है या सीडी है या फिर कैमरा है, आप कंप्यूटर से अटैच करोगे ना तो काफ़ी, चलो एक मोबाइल पकड़ के ही चलते, कोई भी मोबाइल है आप कंप्यूटर में अटैच करोगे तो वो डायरेक्ट ओपन नहीं हो जाता है, वहाँ पे एक मैसेज आता है। या फिर ऐसा कहते हैं कि आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर पहले कंप्यूटर में अपलोड करो या फिर उसको कंप्यूटर में लो तब जाके आपका मोबाइल ओपन होता है, ठीक है। तो मोबाइल भले आप हार्ड डिस्क या हार्डवेयर समझो पर उसके लिए उसका सॉफ्टवेयर होना भी जरूरी है। फिर आपको कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए भी मैसेज आएगा कि आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है, फाइल ट्रांसफ़र करना है या फोटोज़ है या वीडियोज़ है, उसके लिए भी मैसेज आएगा। तो वो सारा क्या है, सॉफ्टवेयर, वो मैसेज आएगा उसके ऊपर क्लिक करोगे तब जाके आप अपना मोबाइल पूरा कंप्यूटर में ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, दोनों इक्वली दोनों होंगे तो ही आपका कंप्यूटर चलेगा, कोई एक होगा तो कंप्यूटर चलेगा नहीं। अब मैं आज आपको हार्डवेयर के बारे में बता रही हूँ कौन कौन से हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर में भी फोर टाइप्स के हार्डवेयर है, ठीक है। फर्स्ट है इनपुट डिवाइस, सेकंड है आउटपुट डिवाइस, थर्ड है प्रोसेसिंग डिवाइस एंड फोर्थ है स्टोरेज डिवाइस। अब ये इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस, ये सारे हार्डवेयर के पार्ट्स हैं, हार्डवेयर के डिवाइसेस के, उसके मेन पार्ट्स जो बोलते हैं ना, इस तरह के जो भी डिवाइसेस होंगे वो हार्डवेयर में रहेगा, ठीक है। अब इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस है वो आप कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा कंप्यूटर में फिलअप करना चाहते हो तो वो इनपुट डिवाइस के जरिए होगा, ठीक है। मेन इनपुट डिवाइस कौन कौन से आपने यूज़ किए हैं, कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड और माउस आप जानते हो, दोनों को अच्छे से उसका यूज़ जानते हो। कीबोर्ड के जरिए हम कुछ भी टाइपिंग करके इंफॉर्मेशन इनपुट करवा सकते हैं, माउस है वो टच से टच करके, टच डिवाइस बोलते हैं इसको या पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं, और उसको उसके जरिए आप इनपुट कर सकते हो। स्कैनर है वो जो भी आपकी फोटोज़ या डॉक्यूमेंट्स वो सब है उसको स्कैन करके आप सेंड कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हो। समझो कि मैंने आपको अभी दो तीन क्वेश्चन दिए या फिर एक डायग्राम बनाने को दिया कि इनपुट डिवाइस का पूरा डायग्राम बनाओ आप, सॉरी हार्डवेयर का पूरा डायग्राम बनाओ, तो उसमें चारों आप डिवाइस लिखोगे, चारों डिवाइस के पार्ट्स लिखोगे, तो वो डायग्राम बना के फिर आप स्कैन करके मुझे सेंड करो, तो ये स्कैनर के जरिए आप कर सकते हो। आपके घर पे स्कैनर होना चाहिए, आपने नोट में पूरा डायग्राम बनाया फिर उसको स्कैन किया और फिर आप मोबाइल में लेके या कंप्यूटर में लेके आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है। डिजिटल कैमरा, आपने कैमरा देखा ही, आपके मोबाइल में भी तो कैमरा है ना, तो डिजिटल कैमरा है वो फोटोज क्लिक करके एक्स वाई जेड किसी की भी फोटो आप ले सकते हो, फोटोज क्लिक करके आप कंप्यूटर में उसको सेव करके रख सकते हो। फिर है फाइंड टैब, वो एक टैबलेट टाइप है, छोटा सा मोबाइल से थोड़ा बड़ा और कंप्यूटर से थोड़ा छोटा, स्क्रीन आती है उसके साथ पेन आती है, उससे टच करके वो पेन से आप कुछ भी ड्राइंग करते हो वो स्क्रीन पे आपका दिखेगा। और फिर है टच स्क्रीन, टच स्क्रीन से तो आप बराबर वाकिफ हो, है ना, जैसे कि आपका मोबाइल है वो भी टच स्क्रीन है, आप किसका नंबर जैसे मुझे ही कॉल करना चाहते हो तो आप मेरा नंबर डायल करने के लिए टच करते हो ना, तो वो हुआ टच स्क्रीन और वो इनपुट डिवाइस है। फिर है आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर मेन आउटपुट डिवाइस है, जो भी आप इनपुट करते हो वो दिखेगा कहाँ पे, स्क्रीन पे आउटपुट पे, तो वो है मॉनिटर, वो आपके टीवी जैसा है ना तो वो मॉनिटर पे आपको दिखेगा। फिर है स्पीकर, जो भी मैं बोल रही हूँ वो आपको सुनाई भी तो देना चाहिए, फिर आप गाना सुनते हो, फिर आप मूवी देखते हो या कार्टून देखते हो उसकी वॉइस भी तो आती है, तो वो सारा कहाँ से सुनाई देता है, स्पीकर के जरिए। फिर है प्रिंटर, अब मैंने आगे आपको बोला ना कि मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है वो आप स्कैन करके भी आप मुझे भिजवा सकते हो, या फिर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि आप लिख के रखो उसको, फाइल बना के रखो फिर मैं आपका देखूँगी, पर लिख
मोबाइल में या कंप्यूटर में पूरा प्रोजेक्ट आपका मोबाइल में या कंप्यूटर में बनाओ और फिर उसकी प्रिंट निकाल के फाइल बना के रखो। तो वो प्रिंट कहाँ से निकलेगी? प्रिंटर में से, ठीक है। प्रिंटर मतलब जो भी वर्क आपने कंप्यूटर में किया उसकी हार्ड कॉपी निकालने वो प्रिंटर के जरिए होता है। फिर है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जैसे कि आप हमारे स्कूल में आपने देखा है कि प्रोजेक्टर है एक छोटा सा डब्बा जैसा होता है, वो कंप्यूटर से अटैच होता है और सामने बड़ा सा व्हाइट पर्दा होता है और वो जो भी आपको मतलब दिखाना है या आपको देखना है तो वो कंप्यूटर पे प्ले करके आप स्क्रीन में देख सकते हो, तो वो है प्रोजेक्टर। फिर है प्लॉटर। अब छोटे छोटे पेज निकालने हैं तो आप प्रिंटर के जरिए निकाल सकते हो। तो ये प्लॉटर क्या काम का है? तो प्लॉटर जैसे कि बड़े बड़े बैनर है या बड़े बड़े पोस्टर है वो प्रिंट करने के लिए आप प्लॉटर का यूज होता है, ठीक है। फिर है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में सिर्फ एक ही डिवाइस है, सीपीयू है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसका फुलफॉर्म और वो पूरे कंप्यूटर को जो भी वर्क होता है उसको पूरे को वो देखता है, इसीलिए सीपीयू है वो कंप्यूटर का दिमाग है। आप उसको बोल सकते हो कि सीपीयू है वो कंप्यूटर का ब्रेन है। उसमें मेन थ्री पार्ट्स है, एएलयू, एमयू, कैलकुलेशन करते वो इसके जरिए सपोर्ट होता है। एमयू है वो है मेमोरी यूनिट, वो आपको जो भी आप स्टोर करोगे या फिर जो भी आपके कंप्यूटर में स्टोर किया हुआ होगा उसको मैनेज करता है। और सीपीयू है वो कंट्रोल यूनिट है, वो पूरे वर्क को कंट्रोल करता है। तो ये हुए प्रोसेसिंग डिवाइस। फिर है स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस मतलब जिसमें हम जो भी वर्क करते हैं उसको स्टोर करके रखते हो। तो स्टोरेज डिवाइस में दो पार्ट है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। स्टोरेज डिवाइस को आप मेमोरी डिवाइस भी बोल सकते हो, उसमें दो पार्ट्स है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो इनबिल्ट मतलब कंप्यूटर में या मोबाइल में लैपटॉप में बाय डिफॉल्ट होता है वो है रैम और रोम, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी जो आप एक्सटर्नल उसमें लगाते हो वो जैसे कि हार्ड डिस्क है, सीडी है, पेन ड्राइव है, डीवीडी है, फिर ब्लू रे डिस्क है, तो वो सारी सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क है वो कंप्यूटर में अटैच भी होती है, आप उसको एक्सटर्नल भी लगा सकते हो। सीडी आपने देखा है राउंड होती है ना, गोल सर्कल वाली। डीवीडी भी वैसे होती है, सीडी है वो कम कैपेसिटी वाली होती है और डीवीडी उससे ज़्यादा कैपेसिटी वाला। और पेन ड्राइव छोटा सा डिवाइस होता है, जो भी आपने वर्क किया है वो आप पेन ड्राइव में लेके दूसरे कंप्यूटर में भी डाल सकते हो या फिर पेन ड्राइव में लेके उसको स्टोर भी कर सकते हो। तो आज हमने देखा कंप्यूटर सिस्टम, उसमें दो मेन पार्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बारे में आज देखा, हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस है जिससे कोई इंफॉर्मेशन या डेटा फिलअप कर सकते हो, वो पूरी प्रोसेसिंग होती है फिर आपको आउटपुट में दिखाते हैं और वो आउटपुट में देखने के बाद अगर आपको सही लगता है तो आप उसको स्टोरेज डिवाइस में सेव भी कर सकते हो, ठीक है।